अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? बेहतरीन आपके पहुंचे हुए जी सर। बादल फुल काले हो गए? नहीं सर, फुल काले। चोरिस्तान में तूने लिया था, इधर काम आएगा सर। अब लाया नहीं, मैं भूल गया हूं। मैं मुंह वाला चाहिए तो मैं लेके आया। अरे सर ये तो बड़ी, ये आपको पड़ेगी, लेकिन ये मैं बेटा भी पहन के जाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। आ जाए सर, आ जाए। क्या सूरत हाल चल रही? मिलेगी सूरत हाल? बड़ा अच्छा जा रहा है फिलहाल तो। यार दो तीन गाड़ियां तुमने उसमें दिखाई जो मैंने भी लेनी। तुम पुरानी पुरानी गाड़ियां जानबूझ के दिखा रहे हो ना सर। वो गाड़ियां लेकिन ऐसी गाड़ियां थी कि मैं यूनिक कार देके खड़ा जानबूझ के दिखा रहे थे कि मेरे पैसे खुले हो। नहीं सर, गाड़ी बहुत प्यारी है। ये सामने खड़ी है, वो सामने खड़ी है। हां तो गाड़ी खड़ी करके आते जी सर। आए गाड़ी खड़ी करें सर। आपने तो वाकई ड्राइविंग टेस्ट ले ली है? किस चीज का? पास, फुल पास हो गए सर। चेक तो करो। किसका ड्राइविंग टेस्ट? अरगान साहब पास है। बस दो बच्चे जो है जख्मी हुए हैं, उनके वालदैन ने FIR कराई है अरगान पे, बाकी पास है ये। सर ये फीडर को घुमाना नहीं है आपने? ये फीडर गिर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो यार तुमने मुझे बताया नहीं, मैं अभी छोटी छोटी पहन के आ गया गर्मी के चक्कर। क्या हाल है अरगान साहब? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अंदर फुल चिल सी है सर। सर मैं ठीक, आप खैरी से? आप भी का वेट कर रहे हैं सुबह 8 बजे। सर 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 मैं तो फॉर सेल नहीं हूँ सर, मेले पे तो गाड़ी बिकनी है। फिर अंदर कैसा मौसम है? अंदर का मौसम बेहतरीन है, बाहर और अंदर आके जिंदगी बदल गई है। एयर कंडीशन है कि वैसे ही है? नहीं एयर कंडीशन है। रात को तो फुल गर्मी थी जी। ये अच्छा काम किया है, लेकिन जो ठंड लगी है साथ अच्छा नहीं किया ना आपने सर। अब लेकिन गर्मी कराची कितनी है, सुभान अल्लाह। कैसा लग रहा है गांधी आपको? बेहतरीन जी, अंदर आके तो शाम को वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। शाम शाम को बड़ा अच्छा मौसम था जी। गांधी फिर कौन सी गाड़ी ले रहे हैं आप? अभी देखते हैं सुनील साहब क्या दिला रहे हैं। अच्छा साहब हमारी FJ बेचेंगे और यहाँ कुछ दिलाएंगे हमें। क्या बात है, अभी आते हैं। मेरा माइंड बनाया कि गाड़ी बेच दूं। मैंने कहा FJ की मांग रहा है ना, FJ बिकेगी नहीं अगली लेगा। FJ पैसे पूछ, पैसे भेजा 2 करोड़ का बिकेगी? मतलब क्यों नहीं बिकेगी? नहीं बिकेगी ना। गाड़ी आपकी, आप बिक जाएगी? नहीं आप बिक जाएगी, हमारी वाली तो बिकेगी नहीं। वो टाइम और था, आई भी थी उस दिन मेले पे, 130 मांग रहा था। सेम वही कार उसी हालत में, वही वाली 130 सही मांग रहा है। नहीं नहीं अभी सही, गाड़ियाँ लिमिटेड है। नहीं नहीं वो बिकेगी नहीं, देखते ऑफर देते हैं, कुछ ना कुछ तो ऑफर आएगी। सेलेक्ट पर नहीं सारा अंदर है सर। और रान भी आप हैं, आप अपने जरा गाड़ियों का टेस्ट करते हैं। अभी जब चले साहब जरा चलें सर, गाड़ियों के प्राइसेस आप बताएं कैसा है इस वक्त? तो आसमानों पे चली गई है प्राइसेस। कल फिर होंडा ने कोई कल परसों प्राइसेस बढ़ा दी है। हाँ जी बिल्कुल, 91 लाख रुपए की होंडा सिविक, अगर इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन कराओ तो करोड़ रुपए की, करोड़ रुपए की। और दो तीन एड्स मैंने देखे, 1 करोड़ 2-3 लाख। जिस दिन वो आई है ना कि प्राइसेस बढ़ी है, मैं पाकि उस पर चेक कर रहा था, 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 3 लाख लोग मांग रहे हैं अभी। एग्जैक्टली, और अभी पूरी बढ़ी नहीं थी तो उन्होंने 1 करोड़ 2 डिमांड कर ली है पहले से। हो गए पहले से ही, और जो हालात चल रहे हैं ये ऊपर ही जाती नजर आ रही है। मैच होने से पहले हैट्रिक कर दी है, हैट्रिक हो गई है, तीसरी बार प्राइस बढ़ा दी है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आगे क्या सूरत नजर आ रही है जरा गाड़ियों का देखते हैं ना कि क्या क्या है। सुनील साहब हमारी गाड़ी तो बेच देंगे तो हमें दिलाएंगे क्या, वो देखते हैं। हाँ पहले जरा चूज कर लेते हैं ना, हाँ कि मतलब हमारे बजट में क्या आता है। डन हो गए। वैसे ये तो करोला वगैरह यहाँ जा रहे हैं, 50 लाख टच कर गई है, बिल्कुल कर गई है। जो फिर तो मैं सही मांग रहा हूँ ना FJ क्रूजर के 2 करोड़ पे। मेरे ख्याल से एंटीक गाड़ियाँ और यूनिक है, मेरा रेयर गाड़ियाँ आनी नहीं है आगे, इम्पोर्ट अब हो नहीं सकती हैं, बिल्कुल ऐसी है। 4000 cc है ड्यूटी, आज मंगाने जाओ तो ज्यादा ड्यूटी है उस पर, बिल्कुल ऐसी है। अब तो मेरे ख्याल है वो आएगी भी नहीं ना, वो डबल इम्पोर्ट भी नहीं हो सकती है, और जो हालात है बहुत महंगी पड़ेगी। ड्यूटी टैक्स भी डबल हो गया। डबल क्या, 495% ड्यूटी टैक्सेस है उसके ऊपर। ओह बाकी फिर तो तकरीबन तकरीबन रीजनेबल मांग ही रहे हैं। फिर तो देखते हैं अगर कोई ऑफर आती है आसपास बेच देंगे। आपको वहाँ पे एक GMC खड़ी है, जरा वो चेक करते हैं। चलाएं GMC देखते हैं। GMC मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आ जाएगी। और वो जी लेफ्ट हैंड है GMC। यार इसके साथ में एक पेट्रोल स्टेशन भी चाहिए होगा। ओह गाड़ी अच्छी है, गाड़ी चेक करें देख के उसकी लुक है ना वैसे। चलो ये हमारी प्राइस में आती है तो उसको दिला दो। इसकी रोड प्रेजेंस चेक की है? इसके साथ वो भी अच्छी खड़ी है, वो क्या है FJ नहीं है, रूबीकॉन ही ग्लैडिएटर है, रैंगलर। हाँ जी भैया अपनी गाड़ी की प्राइस फिर कम मांग रहे हैं। जो रिवो है ना वो इस वक्त हो गया 148 का शायद जी, इतने कही है अराउंड, इतने कही है। इसका जरा चेक तो करें, गाड़ी मजे की है, गाड़ी खुली हुई है। यार इसके पैसे देख के ना मुझे चक्कर आ रहे हैं। और मजा आ देने वैसे। गाड़ी खुली भी है, चेक करें सकते हैं? नहीं सर गाड़ी लॉक है, गाड़ी बोल के अभी खुलवा के कोशिश करते हैं, चेक कर लें। आपकी वजह जरा गाड़ी अनलॉक कीजिएगा भजन, गाड़ी की चाबी मिल गई, अनलॉक करने लगे हैं। चलें जी तो बताएं फिर आप बिस्मिल्लाह कर रहे हैं? आप जबरदस्ती बेच देंगे मुझे? नहीं आप ले, आप बेच देंगे वो ना, अरगान भी अब ले तो लेंगे मुझे पता है। कोशिश करते हैं अगर समझ आएगी तो। नहीं सर डनाली का मतलब अभी आते हुए ना सुनील साहब ने 2-3 गाड़ियां देखी हैं जो आपने, वो पुरानी करोला श्रोला। हाँ जी कहते हैं लेनी है,
भाई मैंने वीडियोस बनाई हैं अभी आज खर्चा करने के मूड में आया सुनील साहब भाई मैंने वो यूनिक गाड़ियां देख के ही बनाई हैं ये कार मेले में ना अमूमन सुनील साहब अपना बैंक अकाउंट खाली कर जाते हैं सर ये क्या बात है ओहो डेनाली इसको स्टार्ट मार ले खैर स्टार्ट करें जरा वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल जीएमसी स्टार्ट व्हीकल टू व्यू एप्लीकेशन बेहतरीन है नहीं जियर गान भी फिर इंटरेस्टेड है इसमें तो मजा आएगा स्कर्दू जाने का नॉर्दर्न एरिया जाने का सुनील साहब के साथ ना ओहो लेकिन ये फ्यूल क्या करती है इसको जरा चेक करें ना इसका फ्यूल एवरेज क्या होगा मेरा ख्याल है कि 5-6 करेगी यार नहीं मेरा ख्याल है कम करेगी 5-6 5 6.5 तो पूजा कर लेते हैं नहीं करता 6-7 5.5 5.6 हम लोग कहें तो एफजे मेरा करता है 5.2 5.3 सर हम लोग अगर उतना ही करती है तो फिर सोचा जा सकता है अरगान भी हम 6-7 लेके आए हैं अभी हम गए थे चोलेसान क्रूजर पे हां क्रूजर पे लेकिन वो अब जा रहे हो कंटीन्यूअस तो कम पीती है ना रुक रुक के एक्सीलरेशन ब्रेक करते रहो तो फिर मैं आपकी ये बात एग्री करता हूं सुनील साहब को पकड़ लेते हैं फिर उनको गाड़ी दिखाते हैं वैसे गाड़ी बड़ी लग्जरी है गाड़ी भजन में इसलिए तो आपको यहाँ पे लेके रोड प्रेजेंस भी जबरदस्त है रोड प्रेजेंस ऐसी है कि लोगों ने देख देखना है भजन गाड़ी को जगह तो यार अब सुनील साहब को बुलाएं इसको आए जरा लेके आते हैं ना सुनील भाई को वो कहेंगे मुझे अकेला छोड़ के भाग गए हैं अभी उनका खर्चा कराते हैं अभी उनका खर्चा कराते हैं